राइस, गेट रेडी फॉर्म करम। Sai Ram and God bless you all। आज हम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का डिवीजन करेंगे, उसको पुनः पढ़ेंगे। एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, प्रश्नोत्तर व्याख्या सब कुछ। आज हम पुनः उसका रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के लिए नरेंद्र प्रस्तुत है। ठीक है, आप आरंभ करें नरेंद्र। पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर सामग्री लता मंगेशकर के अद्भुत गायन। साम्राज्ञी नरेंद्र, साम्राज्ञी एक सामग्री होता है, साम्राज्ञी है ना, साम्राज्ञी। सुर सामग्री लता मंगेशकर के अद्भुत गायकी का प्रकाश डाला है। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चितपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई। लता जी ने चितपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चितपट संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हुई। लता मंगेशकर का सामान्य गलती से नरेंद्र अभी क्लास के बाहर हो गए हैं। उनके वापस आने तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और आप में से कोई और तब तक कुछ बताना चाहे इस पाठ के बारे में, तो इस मध्य का जो अंतराल है उसको भर सकते हैं। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? कहीं पता चले हम भी बाहर हो गए हैं और बोलते जा रहे हैं। ऐसा भी भ्रम होता है इस ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में, ऐसा भी भ्रम होता है। कभी कभी हम बोलते जाते हैं और पता चलता है कि हम तो यहाँ है ही नहीं। तो इसलिए ओके, लता मंगेशकर जी के बारे में, उनकी गायकी के बारे में और उनके जो उनका गानपन है। अच्छा, गानपन क्या है तब तक ये बता दो, क्योंकि ये पाठ तो हम पढ़ चुके हैं और इस पाठ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गानपन से क्या आशय है? गए इतनी जल्दी? अभी तो 1-1.5 महीने का ही गैप हुआ था बस। आई थिंक नहीं, 1 महीना भी पूरा उनके कहा गाने गैप की हुआ कला जो उनके अंदर कूट कूट के भरी है गाने। वो गानपन। सही, बिल्कुल सही। गानपन यानी गाने की क्षमता, गाने की कला। वेरी गुड। और ऋतु, और कुछ? मोहित आप हैं अदृश्य रूप में, आपका वीडियो ऑन नहीं है, कोई बात नहीं, बट आप हैं कि नहीं क्लास में? भैया यस मैम। हमेशा हमें कहना पड़ता है कि वीडियो ऑन करूं। वो नरेन का नेट खत्म हो गया। कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, हम इसे कोई प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट स्क्रीन करके पाठ को, पाठ की पुनरावृत्ति? क्या हम प्रेजेंट स्क्रीन करके इसका कोई वीडियो दिखा के कर सकते हैं? मोहित, कैन यू? समरी करनी है। हाँ बेटा इसका कोई वीडियो ले सकते हैं ना अपन यूट्यूब से ऑनलाइन, अदरवाइज आए गुरु प्रेजेंट। पाठ पढ़ा हुआ है, दोबारा पाठ पढ़ाने का मतलब नहीं मैम है, ब्रह्म प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अभी तो कैसे दूंगा, मैं भूल गया ना, कल जरूर दे दूंगा। नहीं, प्रेजेंट स्क्रीन करके, प्रेजेंट स्क्रीन, नेट से एक हाँ नेट से बेटा। मिनट करके देखता हूँ। देखिए, वरना फिर मैं आपके लिए फिर मैं प्रस्तुत करूंगी।
अभी क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो क्लासेस टोटली योर्स, उसके बाद फिर हम नया डिस्कशन, नई चर्चा शुरू करेंगे। तब तक आप सोच भी लीजिए हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्श या जो आपकी इच्छा होगी वहां से हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। भारतीय गायिकाओं में, हाँ, लता मंगेशकर, क्लास 11 समरी। यस, रीड करना हाँ, वीडियो वीडियो प्ले कर दीजिए बेटा, दिख रहा है, वीडियो प्ले कर मैम। दीजिए। वीडियो वॉइस नहीं आएगी शायद, करके देख लेता हूँ। कोशिश कोशिश कीजिए, आती है तो ठीक है। हाँ मैम बेटा, मैम आप क्लासेज पे प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, डाटा क्लासेज में भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। यस मैम। यस, नहीं अभी एक बार अपन कोशिश कर रहे हैं कि एक बार देख लीजिए, वरना फिर मैं आपको रिवीजन दिखाती हूँ। प्रश्नोत्तर चर्चा कर लेंगे आज, क्योंकि नरेंद्र ने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। ठीक है मोहित, एक काम करें, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पाठ के सारांश पे और प्रश्नोत्तर पे आ जाओ। वीडियो रहने दीजिए, नहीं आई मैम आवाज, सारांश नहीं आवाज नहीं आ रही है, पाठ के प्रश्नोत्तर पे और आते। सारांश पे ही। एक मिनट प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर सामग्री अच्छा, साम्राज्ञी लता मंगेशकर की अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चितपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चितपट संगीत में अपना जमाना था, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी आगे निकल गई। उन्होंने चितपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चितपट संगीत के कारण लोगों को स्वर सुरीलेपन की समझ हो रही है। लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गान ही पसंद करते हैं। इसका कारण यह है लता के गानों में गानपन का होना। गानपन का आशय है गाने की वह मिठास जिससे उनका श्रोता मस्त हो जाए। लेखक के क्योंकि अनुसार उनके स्वर मोहित में निर्मल यहाँ पे रुकिएगा, क्योंकि प्रश्न है हमारा गानपन से यस क्या आशय है। ठीक है, तो अभी आपको स्पष्ट हो रहा है कि गानपन से आशय है गाने की कला, और गाने का वह अंदाज, वह तरीका जिसको सुनते ही श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाए, और गाने की मिठास उसके मन को आनंदित कर दे। आगे बढ़ेंगे। जहाँ प्रसिद्ध गाय एक मिनट उनके अच्छा, गानों की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदरता रीति से भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर के करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह नहीं गाए। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लता का ऊंचे स्वर में गाना भी लेखक को उनके गायन की कमी लगती है। इसका दोष वह संगीत दिग्दर्शक को देते हैं जिन्होंने उनसे ऊंची पट्टी के गाने गवाए हैं। आए हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, कोई संदेह, कुछ पूछना तो नहीं? ठीक मैम दिग्दर्शक क्या होता है? है, दिग्दर्शक बेटा, दूर, जैसे
दिग्दर्शन यानी दूरदर्शन और दिग्दर्शक यानी टेलीविजन व्यूअर्स, ठीक है। और उत्कटता उत्कटता मतलब बहुत ज्यादा मन से, बहुत दिल से, उत्कटता मतलब हृदय की गहराई से, ठीक है। यस मैम, चलिए आगे कुछ और जानकारी है या क्रम प्रश्नोत्तर पे आज? चित्रपट मैम है, भी है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और यह लता मंगेशकर के पास निश्चय है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है तथा चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचता है। लता मंगेशकर का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। उनके गानों में स्वर लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है, चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत। अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रसिक और आनंद देने का सामर्थ्य अधिक है। गाने की सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर, यहाँ रुकिए क्योंकि हमें मात्र पढ़ना नहीं है, समझना भी है। ये जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा, ये अत्यंत इसमें गंभीरता है, इसमें भाव छिपे हुए हैं। यहाँ आपने जाना कि लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसमें विशुद्धता होती है, वो विशुद्ध होता है। जो चित्रपट संगीत है उसमें जो लय ताल है वो प्राथमिक अवस्था की होती है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में होती है, यानी शुद्ध रूप में होती है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत का गायन हर किसी के वश की बात नहीं होती, अत्यंत साधना से, अत्यंत अभ्यास से, किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत का अभ्यास किया जाता है। जबकि चित्रपट संगीत, जिसके गले में मधुरता है, वह चित्रपट संगीत को थोड़े से अभ्यास से सीख सकते, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी कही, वो ये कि लता मंगेशकर जी का एक एक गाना, गाने तो हर कोई गा लेता है, कोई भी गुनगुना लेता है, लेकिन लता जी की जिस तरह से प्रस्तुति होती है, हर एक गाना अपने आप में एक कलाकृति है, अपने आप में अत्यंत गुण कलाओं से परिपूर्ण है। उनके गाने में सुर है, ताल है, सब कुछ है। और साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अच्छा गायन वही है जो सुनने वाले के मन को आनंदित कर दे। यहाँ पर एक शब्द है रंजक, रंजक का माने मन को सुंदर लगना। आपने सुना है ना शब्द मनोरंजन, आप लोग इंग्लिश में क्या देते हैं, एंटरटेनमेंट। आप में से कोई बताएगा मनोरंजन शब्द का क्या मीनिंग है? मनोरंजन का संधि विच्छेद होगा, मनोरंजन को रंजन करने वाला। हाँ, मनहा धन, यस, मनहा प्लस रंजन, मनहा धन रंजन, मन को रंजन। रंजन माने क्या, रंजन माने क्या, आनंद या खुशी, मन को अच्छा लगने वाला, मन को आनंदित करने वाला, मन को मुग्ध करने वाला, ठीक है। तो अच्छा, और अच्छा संगीत वही है जो सुनने वाले को आनंद से भर। तो गाने की सारी ताकत, गान पर की पूरी सफलता उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है। अवलंबित माने आधारित, बेस्ड ऑन। चलिए आगे बढ़ेंगे। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का बल की लोगों पर लिखना है कि आगे बढ़िए। मोहित मोहित आवाज भी इंटरप्ट हो रही है और आगे बढ़ रहा है। मोहित, आपको हमारी आवाज आ रही है? आगे बढ़ाइए, टेक्स्ट को आगे बढ़ाइए।
नहीं नहीं समझ आ रहा मोहित बेटा, नहीं आवाज नहीं आ रही आगे। नहीं मेरी बढ़ा ली आगे। नहीं स्क्रीन पर नहीं दिख रहा अभी तो, ऋतु आपको दिख रहा है क्या आगे बढ़ना? हाँ, कब हुआ आगे तो? रुकिए थोड़ा और आपकी आवाज देखते हैं अब, बोल के दिखाइए। मैम ज्यादा गया नहीं आवाज कट रही है बेटा, आवाज कट रही है। अच्छा मेरी आवाज भी ऐसे ही आ रही है क्या? मेरी आवाज भी नहीं आ रही अब तक? आ रही है? आवाज नहीं अच्छे से आ रही है मैम, मेरी आवाज आ आ रही है। रही है? ठीक है तो आप मोहित आगे का हम पढ़ देते हैं, आप आगे बढ़ाइएगा ठीक है। अभी हमें यस अपने संगीत मैम, यस में लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। खानदानी गवैयों का दावा है, गवैया यानी गाने वाला है ना, जिनका परंपरागत पेशा है गाना गाना। गवैयों का दावा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को, आपने जल्दी आगे बढ़ा दिया मोहित, थोड़ा पीछे खींचिए, स्क्रॉल कीजिए ऊपर की ओर। आ ठीक गया मैम। ठीक ठीक लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है, यानी जिन लोगों को शास्त्रीय संगीत समझ नहीं आता या जिनको शास्त्रीय संगीत की जानकारी नहीं है, चित्रपट संगीत ने उन्हें भी संगीत का प्रेमी बना दिया। लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत के कारण यह संभव हो पाया है। इसमें नवनिर्मिति की गुंजाइश है। नवनिर्मिति यानी आप अपने हिसाब से इसमें इनोवेशन कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन शास्त्रीय संगीत में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक-एक मात्रा का बहुत महत्व है। तो उसमें आपने अगर कुछ भी ऐड किया, कुछ भी जोड़ दिया, तो आपका सुर लय ताल छंद सब बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चित्रपट संगीत में नव निर्मिति की गुंजाइश होती है और बड़े-बड़े संगीतकार, लोकगीत, पहाड़ी गीत, खेती के विविध कामों पर हिसाब किताब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। अंडरलाइन करें, समझें ऐसे शब्दों का प्रयोग जैसे दिनों दिन, अधिकाधिक, बीचों बीच, ठीक है? इन शब्दों का प्रयोग आप अपने लेखन में भी करने का प्रयास करें, उनको तो समझें। और इस संगीत की अनभिषिक्त साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं। अभिषेक, यहाँ पे अभिषेक शब्द जानते हैं? अभिषेक माने अभिषेक किस पर किया जाता है? अभिषेक का मतलब, भगवान पर जल अभिषेक का मतलब क्या होता है? भगवान पर जल चढ़ाना या कुछ और? अच्छा ऐसे जो ऐसे शब्द है ना, आप सबकी जीवनचर्या में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बस हम इन्हें पढ़कर आगे निकल जाते हैं। तो टुडेज असाइनमेंट इज दिस कि जो चीज सरलता से मिल जाती है ना वो भूल जाते हैं। आज आप किसी भी प्रकार से अभिषेक शब्द का सही मायने पता करके आएंगे और साथ में अनभिषिक्त दोनों शब्दों का आप तात्पर्य आज समझेंगे और साथ में अपनी हिंदी की कॉपी में आप इसे नोट भी करेंगे। लेकिन आज भी लता मंगेशकर के जैसा, उनके जैसा गानपन, उनके जैसा सुरीला कंठ किसी और का नहीं है, ठीक है? संभावना है। तो बाकी दोनों शब्दों का आप तात्पर्य आज पता करेंगे, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और अपनी कॉपी में भी इसे लिखेंगे, ठीक है? चलेगा, ओके। अब कोई प्रश्न किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू मोहित, वेरी गुड, गुड यस मैम, एफर्ट। थैंक यू।
हम क्या नहीं बताइए, अभी मैंने आप पर छोड़ा था ये डिसीजन, आप बताएं। आप बेटा स्टॉप स्टॉप शेयरिंग करो मोहित, और वैसे इनसे बात करो। आप बताओ अगला चैप्टर हम क्या ले लें, काव्य में से लें, गद्य में से लें, या मैम वीतान में लें? काव्य, काव्य में से ले लें, अगली पोएम पर आ जाए। अच्छा अगली पोएम हमारी कौन सी होगी? पथिक। ठीक है पथिक, देखते हैं कभी आपके सिलेबस में से डिलीट तो नहीं है, देखती हूँ मैं, अगर डिलीट होगी तो हम उसके आगे बढ़ लेंगे, आज हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, लिखते रहें, और अपने प्रश्न आप ग्रुप में पूछते रहें। ठीक, ओके, चलिए शांति पाठ करें। ओके, शांति शांति शांति, साई राम एंड गॉड ब्लेस यू, टेक थैंक यू मैम। केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू, साई राम।